ओ हेलो हेलो, क्या हाल है भाई साहब। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो एक और धमाका भाई, बुमराह यू आर अ मैजिशियन यार, यू आर अ रियल विनर, यू आर अ पावर हाउस ऑफ इंडियन बॉलिंग भाई। आप कमाल हो, आप लाजवाब हो इंडियन बॉलिंग यार। आप बहुत ही जानदार गेंदबाजी की है, जहां फर्स्ट हाफ में भारतीय टीम ने हमें बहुत निराश किया, 120 पे वो ऑल आउट हो गया। बट न्यूयॉर्क के ऐसे पीछे मुझे लगा था कि पाकिस्तान या वन साइडेडली तो बिल्कुल नहीं जीतेगी, और टीम इंडिया ये जानी जाती है फाइट बैक करने के लिए। मैच को जानेंगे शुरू से, क्या देखने को मिला भाई पाकिस्तान, ये क्या कर दिया तुमने, 120 तुमसे चेज नहीं हुआ, इतने प्रोफेशनल होके भी तुम इतनी बुरी क्रिकेट खेलोगे और इतने बुरी तरीके से हारोगे, ऐसी कंडीशन से 50 पे 1 से तुमसे 120 नहीं बनेगा, 119 चेज नहीं कर पाओगे। फर्स्ट हाफ में होता है ऐसा ही भाई, पाकिस्तान की टीम टॉस जीती है, बाबर आजम टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला लेते हैं। वहाँ भाई मैं भी निराश था कि यहाँ की जो कंडीशन है ना, इंडिया के लिए तो बिल्कुल आसान ही रहने वाली, और ऐसा ही हुआ। विराट कोहली को अपने पहले ही ओवर में नसीम शाह ने आउट किया, बट रोहित शर्मा का जो उन्होंने फ्लिक लगाने की कोशिश की थी वो भी कैच आउट हो गया। मुझे लगा भाई इस बार क्या कर रहे हैं, ऋषभ पंत को इतने सारे चांसेस मिले, ऊपर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी गजब थी, वो रिस्क ले रहा था, बट जो वो बाउंड्रीज लगा रहा था, हारिस सरोफ को जो उसने बाउंड्रीज लगाई थी बहुत ही कमाल लगाई थी, अक्षर पटेल को ऊपर भेजने का फैसला मेरे समझ से बाहर था, बट उसने शाहीन अफरीदी का जो पीछे बाउंड्रीज लगाई, एक छक्का और एक चौका लगाया, मोमेंटम इंडिया की तरफ आया था। बट जैसे ही टीम इंडिया का 89 तक शायद स्कोर पहुंचता है, वहां पे पता नहीं क्या एक बुरा कोलैप्स आता है, भारतीय टीम के 30 रन पे 7 आउट, और यहां पर भी 7 से 8 ओवर में मुझे भी कहीं ना कहीं बिलीव नहीं हो भाई, ये हो का गया कि 89 पे 3 विकेट से आपके 98 पर 8 आउट हो गए, और भारतीय टीम इतना पैनिक कर चुकी थी और पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से चढ़ चुकी थी, डोमिनेट कर रही थी वहाँ पे वो उनके बॉलर भाई। मैं सोचा था यहाँ किसी तरीके से 100 पार कर लो, 120 पार कर लो, बट यहाँ पे इनके 118वें गिरते पड़ते आमिर ने कमाल की गेंदबाजी की थी, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह सब आग उगल रहे थे, हारिस सरोफ भी यहाँ पे विकेट लेकर जा चुके थे। अब बारी थी यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों की। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी हुई, बट सबसे बुरा ये हुआ ना कि शिवम दुबे ने कैच छोड़ दिया, और जो सिराज की तरफ कैच आया था वो उनके हाथ में नहीं फंसा। भाई मुझे लगा भाई मिस्टेक्स तो टीम इंडिया कर चुकी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मैजिक चाहिए भाई, मैजिक चाहिए, और बुमराह ना हो ऐसा कभी हो सकता है? तो बुमराह का मैजिक हमने यहाँ देखा, कैसे मैजिक देखा, बाबर आजम को उसने सीधी बॉल कराई और उसको वो कट लगाने की कोशिश में सूर्य कुमार यादव का शानदार कैच, उसके बाद उस्मान खान की और मोहम्मद रिजवान की शानदार पार्टनरशिप लगती है, मुझे लगता है भाई ये ले जाएंगे मैच और ये पैनिक नहीं करेंगे। बट रोहित शर्मा का एक और मास्टर स्ट्रोक आता है, वहाँ पे वो गेंदबाजी करवाते हैं किससे, अक्षर पटेल से, जहाँ जडेजा की बॉल पाकिस्तान को कोई खास दिक्कत नहीं दे रही थी, वहीं अक्षर पटेल की पहली दूसरी गेंद थी शायद, वही उस्मान खान को समझ नहीं आई और वहीं विकेट लेकर भारतीय टीम के लिए एक कॉन्फिडेंस दिया। वहीं उसके बाद उनके जो बल्लेबाज आते हैं उनको तू चल तो मैं आया ये लगा रहा, उन्होंने 4 पेसर खिलाए, 2 ऑलराउंडर खिलाए, 6, आपके पास बैटिंग कितनी बची, 5 बल्लेबाज पाकिस्तान लेकर उतरा था कहीं ना कहीं यहाँ पर, और 5 बल्लेबाज में से भारतीय टीम ने 5 को निपटाया, देन उनकी टीम पैनिक कर गई, और यहाँ पर जहाँ उनको एक टाइम पर 43 गेंदों पर 43 रन चाहिए थे, उस टाइम पे हार्दिक पांड्या ने भाई कमाल की गेंदबाजी की, और पिछले जो इंडिया ने लास्ट के जो 7-8 ओवर किया ना, गेम चेंजिंग मेरे हिसाब से वो रहे हैं, उन्होंने पूरा मोमेंटम सेट कर दिया कि पाकिस्तान की टीम को यहाँ पे स्कोर नहीं करने देना है, और वो स्कोर वहाँ पे नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्सिबल इनकी चेजिंग का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, यानी कि इनकी हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार मोहम्मद रिजवान है, एक तो लैग का लपेड़ू है, कहीं भी बॉल कराओ ये हर बॉल को लैग में लपेड़ेगा, बट जिस हिसाब से इसने स्ट्रोकिंग की थी हार्दिक पांड्या को, भाई मेरे को लगा आज तो कुछ डिफरेंट करेगा, कुछ सीख के आया, बट नहीं, एक शॉट से पूरी इनिंग डिफाइन थोड़ी कर सकते हो आप, और वो एक शॉट अच्छा था बस उस पूरी इनिंग में, पाकिस्तान की पूरी इनिंग में, और रिजवान का एक सिक्स अच्छा था, और कहीं ना कहीं फ़खर जमान ने आके अटैक किया था ना अक्षर पटेल को, वो भी मुझे लगा भाई कहीं ना कहीं ये दमदार है, बट यहाँ पर हार्दिक पांड्या का मैजिक चला यहाँ पर, बुमराह ने जो बोल्ड मार रिजवान को भाई कमाल, भाई योर ब्यूटी बुमराह, और यहाँ पर 1:30 बजे तक मैच चला इसलिए मैंने शाम को वीडियो नहीं बनाई थी, पर यहाँ पर जो इंडियन बॉलिंग है कहीं ना कहीं सरप्राइज कर दिया, जो लोग सो गए होंगे ना जल्दी 11-12 बजे तक पाकिस्तान की बैटिंग जिन्होंने नहीं देखी होगी ना, वो उनके लिए सरप्राइजेस आए बहुत सारे सुबह सुबह, और भारतीय टीम यहाँ पर कमाल भाई, फील्डिंग बहुत लाजवाब इन्होंने सेकंड हाफ में करी है, बट शायद इस जीत में ना हम कुछ भूल गए हैं, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे भाई क्या कर रहे थे आप, इतनी घटिया बैटिंग करी है, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम भाई बैटिंग कोलैप्स यहाँ पे देखने को मिला है, बैटिंग फेवर पिच तो बिल्कुल नहीं थी, बॉलर्स के लिए हेवन थी, मैंने पहले कहा था कि बॉलर्स यहाँ इन्जॉय करेंगे, उनके लिए हेवन है, फास्ट बॉलर्स यहाँ पे अपने आप को और पावरफुल फील करेंगे, वही भारत के गेंदबाजों ने दिखाया कि कैसे गेंदबाजी की जाती है, और एक बार पकड़ के छोड़ा नहीं जाता। भारतीय टीम ने 19 ओवर खेले, पूरे ओवर भी नहीं खेले, बट गेंदबाजी में आप जाओगे ना भाई, सिराज ने शुरू के 3 ओवर में ना 9 रन दिए थे, इतनी कमाल की गेंदबाजी थी, बुमराह से भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बट
इनका जो ओवर था उसमें थोड़ा सा पैनिक हुआ था, 2 से 3 वाइड आई थी और सिंगल सिंगल दिए थे पाकिस्तान को, इनके ओवर में 9 रन चले गए थे, जिस वजह से ये थोड़े से महंगे गए। नहीं तो भाई मेरे हिसाब से सिराज की सबसे ज़बरदस्त गेंदबाजी हो सकती थी। अर्शदीप सिंह भाई शुरुआत में इनको एक ओवर दिया, मैं सोच रहा भाई इनको दूसरा ओवर क्यों नहीं दे रहे, शायद थोड़ा सा कहीं कप्तानी में गड़बड़ तो नहीं हो रही, बट नहीं भाई अलग से मास्टर स्ट्रोक लेकर चल रहे थे ये, इनको उन्होंने 4 ओवर में 31 रन, थोड़े से महंगे यही गए हैं और तो कोई गया ही नहीं है। देन उसके बाद बुमराह 4 ओवर में 14 रन 3 विकेट, मैन ऑफ द मैच यहाँ पर बुमराह ही थे। देन उसके बाद हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 24 रन 2 विकेट, इनके मैं आपको एक चीज़ बता दूँ 2 ओवर में 19 खाए थे हार्दिक पांड्या ने, उसके बावजूद 4 ओवर में 24 दिए, भाई कमाल गेंदबाजी किया हार्दिक पांड्या। के बाद आप जाओगे तो कहीं ना कहीं जडेजा 2 ओवर में 10 और अक्षर पटेल 2 ओवर में 11, पहले ओवर में 9 रन खाए थे अक्षर पटेल ने, उसके बावजूद कमाल की गेंदबाजी इस लड़के ने दिखाई है। और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया है। और पॉइंट्स टेबल अपडेट मैं दे दूं कि यहां पर पाकिस्तान वर्चुअली इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, वो चाहेंगे कि आयरलैंड यूएसए को हरा दे तब उनके चांसेस हैं। इफ एंड बट शुरू हो चुका पाकिस्तान के लिए अभी से कि भारतीय टीम अपने सारे मैच हार जाए, आयरलैंड अपने सारे मैच जीत जाए, यूएसए अपने सारे मैच हार जाए तभी यही होगा, बट यहां पर भाई कमाल का मैच देखने को मिला और भारतीय गेंदबाज भाई वी आर प्राउड ऑफ यू और बहुत कमाल आप खेले हो, बट पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो निराश होंगे कि उनकी टीम ने उनको फिर से लेट डाउन किया। भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम में जो पॉलिटिक्स है ग्रुपिंग्स चल रही है वही उनकी टीम के हार का कारण बनी, कोई भी यहाँ पे सेंसिबल बैटर नहीं दिखा कि उसकी उनकी टीम को पेस में लेकर चले। अगर रिजवान एंड तक टिकते 20 ओवर पूरे खेलते तो शायद जीत जाते, पर कहीं ना कहीं इफ एंड बट यहाँ पर हैं तो पाकिस्तान की टीम आप अच्छा बल्लेबाजी नहीं कर पाए और वी प्राउड ऑफ टीम इंडिया की आपने इतनी गजब की। मुझे गेंदबाजों पे इतना बिलीव नहीं था, रिसेंटली इतना लो स्कोरिंग भारतीय टीम की गेंदबाजी का हम नहीं देखे थे बट वो भी देख लिए भाई, तो यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में भाई आप संभल के रहना, इंडियन टीम की जो बॉलिंग है शायद मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक होने वाली है। अगर आपको आई वीडियो पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।